Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. वैसे हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर लिया है अब तक हम लोगों ने रेप्लिकेशन एंड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कि कैसे रेप्लिकेशन होती है डीएनए में, ये सारे साइंटिस्ट ने प्रूफ किया. अब बेटे हम लोगों ने लास्ट टाइप में बात की थी, हम लोगों ने मशीनरी ऑफ एंजाइम स्टार्ट करनी थी, बट मैंने बोला था कि हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन जरूर बनेगा. लेट अस स्टार्ट विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. बच्चे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपने ह्यूमन के जीन, मतलब दैट इज डीएनए के साथ डीएनए को और करीब से जानना है, उसको और करीब से स्ट्रक्चर को. बेसिकली एक डीएनए का स्ट्रैंड बहुत ज्यादा छोटा सा होता है, इतना ज्यादा छोटा सा लाइट वेट प्रोजेक्ट. उसके बाद आप उसके स्ट्रैंड की, उसके मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो. सो बच्चे दिस इज द प्रोजेक्ट विच आर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, विच हम लोगों ने स्टार्ट किया. बेसिकली बताने के लिए, क्या बताने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, कोई बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों के सामने आए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सोसाइटीज में हम लोगों ने देखे गए. फॉर एग्जांपल सोसाइटी में हम लोगों के सामने आए, फॉर एग्जांपल द रेप केसेस हम लोगों ने जो देखे, उसमें हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज द पेरेंटल इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑलवेज इज कंजर्व्ड. ठीक है, अब पेरेंटल इंफॉर्मेशन ऑलवेज कंजर्व्ड, सो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट, वी कुड फाइंड आउट द मैच. ऊपर से जो मर्डर्स होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उनके फुटप्रिंटिंग, ये सारी बेटे एक यूनिक कोडिंग होती है. आप बहुत सारी आपने मूवीज में देखा होगा कि कुछ कुछ अपने लोग आयरिस पासवर्ड रखते हैं, आंखों का पासवर्ड रखते हैं, कुछ कुछ आप आजकल तो मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स में भी ये सारे फीचर्स आने लगे हैं, रेटिना लॉक. ठीक है, आंखों का लॉक लगा कर वो अपना पासवर्ड्स वगैरह सेफ्स वगैरह खोलते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स, अपना थंबप्रिंट, अपना फुटप्रिंट. आपके फोन में भी ये फीचर होगा कि आप अपना स्पेशल फीचर और कोई नहीं खोल पाएगा. क्यों ऐसे होता है, कभी सोचा है कि वाई ऐसा होता है कि आपके फोन स्मार्टफोन में भी जो फिंगरप्रिंटिंग सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपका एक स्पेशल यूनिक कोड फॉर्म करता है. क्यों ऐसा होता है बेटे, क्योंकि आपका जो डीएनए है, दिस इज अ स्पेसिफिक डीएनए एंड इट हैज बॉन्ड विद अ स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टर. ये जो डीएनए है, इसके एक यूनिक कैरेक्टर हो चुके होते हैं, इस वजह से यूनिक कैरेक्टर की वजह से, यूनिक कैरेक्टराइजेशन की वजह के सबका डीएनए, सबके बॉडी का सरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. ठीक है, इवन जो ट्विन्स होते हैं बच्चे, उनका जो उनकी शक्लें हम लोग कह देते हैं कि सेम है, बट उनके बॉडी का जो सरोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी फिंगर प्रिंटिंग होती है, जो उनके ह्यूमन जीनोमिक स्ट्रक्चर होता है, वो फिर भी अलग होता है. इस चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में, इस सेशन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, अब हम लोगों ने डीएनए की कुछ सीक्वेंस होता है जो हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये डिफाइन कर देते हैं. डीएनए का कुछ सीक्वेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, प्यूरिन पिरिडिन नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये सब कुछ होता है. बट बच्चे अब हम लोग क्या बात करेंगे, डीएनए की सीक्वेंसिंग हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आफ्टर दिस टॉपिक. ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, एक वर्ड बोलूं, मैं एक नॉर्मल सा वर्ड बोल दूं, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल. जेनेटिक का मतलब कि पूरे बॉडी का, फॉर एग्जांपल आपने मूवीज में भी देखा होगा, कोई सीक्रेट मिशंस पे होते हैं तो वो एक टनल का
एक टनल को पूरा मार्क करते हैं, वो कैसे बना है, उसमें कितने डोर हैं, सारा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मूवी देखी हो, फॉर एग्जाम्पल वो मूवी आई थी कभी शाहरुख खान की, इंडिया वाले हम हैं इंडिया वाले, दैट मूवी वॉज दैट। तो उसमें क्या करता है बेटे, वो सेफ उसको उसको चुराना होता है, उसको क्रैक करना होता है। तो वॉट ही डिड, ही मेड अ प्लान, एंड वॉट ही डिड अ प्लान की वो जो जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग का पूरा फिंगरप्रिंटिंग, हर टनल, हर डोर, वो डोर कहाँ से खुलता है, वो सारी चीजें पूरा मैप निकालते हैं, ठीक है, इट्स अ मैप। ऐसे बेटे जेनेटिक मेकअप का मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी के प्रोटीन्स की कोडिंग, पूरे बॉडी का प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हर बॉडी की हर प्रोटीन की कोडिंग और हर बॉडी के हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल बॉर्न हैज सम स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टर स्केच। हर जो भी बॉर्न होता है उसका स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टर स्केच होता है, और उसी कैरेक्टर स्केच को हम मान के बाकी सारे बातें करते हैं, ठीक है। In the same manner, genetic makeup of organism or of individual lies in the DNA sequence. कि DNA का क्या sequence है, ये सारा genetic makeup lies in the DNA sequence. Okay? इसमें नेक्स्ट देखो, इफ टू इंडिविजुअल्स, इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर डिफर देन देयर डीएनए then their DNA sequences should also be different, ठीक है। तो मतलब कि अगर दो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं, क्या है, अगर दो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं, देन डीएनए कोडिंग या सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, डिफरेंट कहां से होगा, एट सम पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स बी पी टी, ये एक कोड है इंडिविजुअल वन का, लेट अस सपोज। अब मुझे इंडिविजुअल से कंपैरिजन करना होगा, तो ए एक्स बी आर टी, ये ऐसे होगा, या आर की जगह ये ऐसे हो सकता है कि ए एक्स बी पी बी टी, उल्टा, ठीक है। इसमें यही वाला कोड का स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ऐसा है और एक स्ट्रैंड ऐसा है, बस पोजीशन और लोकेशन बदल गई। ये हम लोग करेंगे इनको भी, बट थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने के लिए इस चैप्टर के, इस टॉपिक के थ्रू मैं ये सारी चीजें भी क्लियर करती हूं, ठीक है। दिस अजम्पशन, दिस अजम्पशन लेड टू द क्वेस्ट। अब यही चीज कि दो इंडिविजुअल्स क्यों एक दूसरे से अलग हैं, पहले हम लोगों ने उनका डीएनए देखा, फिर उनके डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, तब हमने उनका डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस देखा, तभी ये इंफॉर्मेशन पता चली। दिस अजम्पशन लेड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब यही इंफॉर्मेशन कि एक दूसरे से क्यों अलग है,
अब हम लोगों ने एक डीएनए खोज कर लिया, ठीक है, लेकिन अब दूसरा डीएनए भाई इस डीएनए से अलग आ रहा है, तो इस वजह से कंप्लीट सारे स्ट्रक्चर्स को, पूरा ह्यूमन जीनोम, पूरा डीएनए के बारे में जानने की, हर कोड, हर सीक्वेंस, हर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, हर स्ट्रक्चर को जानने की इंफॉर्मेशन, यही जिज्ञासा से स्टार्ट हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही जेनेटिक इंजीनियर का इसमें बहुत बड़ा रोल योगदान है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेट एंड क्लोन isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast technique for determining DNA sequence is a very ambitious project. समझ में आया बच्चे कि हर स्ट्रक्चर के डीएनए को जानने की जो जिज्ञासा थी, जो क्वेस्ट था अंदर, जो डिटर्मिनेशन थी, दैट हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड द स्टार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स ने बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या वो ऐसे भी लिख सकता है ह्यूमन जी was called a mega project ठीक है, is a major mega project. Why it is called as a mega project? क्यों? Because DNA को हैंडल करना इज अ वास्ट एंड द मोस्ट चैलेंजेबल टास्क एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेट टेक्निक यूज, ठीक है। ह्यूमन जीनोम जिसको डीएनए बोल सकते हैं, हैव अप्रोक्स 3×10⁻⁶ बीपी का हम लोगों ने ये नापा था कि इतना स्ट्रैंड होता है, कितना छोटा होता है मतलब, ठीक है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज US$3 पर बीपी, US$3 per BP, the estimated cost would be the estimated cost would be
9 बिलियन यूएस डॉलर फॉर आधा एक स्ट्रैंड करने के लिए, ठीक है, फॉर वन स्ट्रैंड, फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दूसरी चीज, स्टोर्ड सीक्वेंसिंग इन टाइप्ड फॉर्म ऑफ बुक्स एंड इफ ईच पेज ऑफ बुक कंटेन्ड 1000 letters and 1000 pages, then thirty-three thousand 300 such books would be required to store information of DNA sequence from a single human cell. That means enormous amount of data, a more enormous amount of data expected to be generated also necessity to use high speed computational devices for data storage and for data storage and analysis, retrieval, ठीक है, so that's why HGP associated with rapidly development of new genetic era called bioinformatics. कभी भी आज तक इतना वास्ट डाटा एक सिंगल डीएनए सीक्वेंसेस करने के लिए यूज करना, 1000 letters, 1000 pages, 1000 letters के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए, एक ह्यूमन जीनोम के लिए इतनी मेहनत करना, दैट वॉज द अनइमेजिनेबल टास्क टू बी डन। और इसीलिए ये सब पॉसिबल हुआ, ये सब हुआ ड्यू टू द वास्ट वैरायटी ऑफ द कंप्यूटेशनल डाटा फॉर एनालिसिस, रिट्रीवल, उसको ढूंढना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको समझना, फिर उसके लिए और कोशिशें करना, दैट वॉज रियली अनबेरेबल। इस चीज को कोशिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इस वजह से अनबेरेबल था। इस वजह से साइंटिस्ट ने बच्चे क्या किया, साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा पैसा लगाया और इसको एक सेपरेट ब्रांच में ले गए, जिसको हम लोग अब बायोलॉजी के एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ गए, जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आप वाइड वैरायटी ऑफ डाटा स्टोर करते हो फॉर कंप्यूटेशनल एनालिसिस एंड रिट्रीवल पर्पसेस,
and then you're going to realize and you're going to research over that data and the advance with the help of the advancement of technology. ठीक है, अब हम लोग करेंगे बेटे बात गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ठीक है, अब अगर मैं गोल्स की बात करूं तो बेटे सम इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP आर आइडेंटिफाई ऑल द approximately 20,000 to 25,000 genes in DNA determine the sequences of 3 billion chemical bases या chemical base pairs that make DNA. DNA किनसे बना हुआ है? 3 billion chemical base pairs से DNA structure is formed. 25,000 genes in DNA. ठीक है, store this information in database. ठीक है, improve tools for data analysis. Transfer related technologies to other sectors. To other sectors such as industries. Address ethical, this is very important, legal and social issues ELISA that may arise from project. With it, these are some of the important property of this, the 6 postulates of the goals of the Human Genome Project. But in goals mein hum logon ne discuss kiya ki har 20,000 se 25,000 genes jo ki DNA ke andar present the. Genes ka matlab hai base pair. Theek hai, different types ki codings. एलील्स की कोडिंग्स जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट थी अलग अलग टाइप में, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी कोडिंग को समझना, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस्ड पेयर्स की हर एक पेयर कैसे अपने कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में बैठा है, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं बैठा, दैट मेक अ डीएनए. ठीक है, फिर इस इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रॉन्ग लार्ज डाटाबेस में डालना के अलावा उसको रिप्राइज करना, इसको एनालाइज करना, इसको मॉडिफाई करना. अच्छा, अब डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स की जरूरत होनी थी, रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स एंड द इंप्रूव टूल्स टेक्नोलॉजी एंड द इंप्रूव टेक्निक्स. ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज.
ये जितनी भी टेक्नोलॉजी सी अदर सेक्टर से मंगवाना या उनको देना फॉर द और बेटे एक जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो मैनी सोशल एंड द लीगल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। एक एथिकल वे में आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो उसको साइलेंटली बिना किसी को नुकसान किए हुए बिना किसी का हार्म किए हुए ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो और ये प्रोजेक्ट गोइंग हो रहा है, इसकी चेकिंग्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, लीगल इश्यूज बहुत सारे उठ जाते हैं, सोशल इश्यूज उठते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसी प्रथा है हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट हम लोग उनकी चीरफाड़ नहीं कराएंगे, सम ऑफ द सोशल इश्यूज, चाकू नहीं लगने देंगे, ऑल दैट स्टफ। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए थे, सो आफ्टर दैट थिंग उनको उनको टैकल करना, उसको एड्रेस करना कि नहीं इफ वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोजेक्ट दिस इज द बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड लीगल प्रोस्पेक्टिव से देखे तो ये सबके लिए भला है। तो इस चीज को टैकल करने का मेन पर्पस था फिलहाल जब हम ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू, सो दीज आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो यू कैन एड इट लाइक दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was 13-year project coordinated by US Department of Energy and very important एंड ये आपको सारा रटने वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ठीक है। दूसरा ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ HGP the Wellcome Trust कि कहां की थी ये Wellcome Trust UK the Wellcome Trust UK become major partner additional contributors are Japan, France, Germany, China and others. ठीक है। The project completed in 2003. The knowledge about the effects of DNA variations and yeah, you can add it like that, that knowledge of the effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose
treat and someday prevent thousands of disorders affecting human beings. ठीक है, but besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms, DNA sequences was also a difficult task, can lead to understanding, can lead to understanding of their natural capabilities that can lead to an applied that can lead to just natural capabilities is okay. तो बेटे क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट था दिस वॉज कंप्लीटेड इन 2003. अब नॉलेज ऑफ इतना डीएनए वेरिएशंस और लोगों के अंदर रेवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी इफेक्ट्स इसके समझ में आ गए थे लोगों को. उसके बाद डायग्नोस करने की कैपेबिलिटी कि ये बीमारी इस डीएनए में जाके हो रही है, जैसे एचआईवी एड्स. एचआईवी एड्स इज अ बीमारी, इट्स अ डिजीज जिसकी नॉलेज लोगों को पहले नहीं थी, बट आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड वी हैव ग्रेजुअली डेवलप्ड दैट नेचुरल कैपेबिलिटी एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट यस देयर आर सम ऑफ द म्यूटेशंस ऑफ द डीएनए दैट आल्सो अकर्ड एंड सम ऑफ द डिजीजेस दैट आर दैट डायरेक्टली अफेक्ट द जीनोमिक मटीरियल ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इंडिविजुअल. सो दैट्स व्हाई the popularity of the project has grown to a vast variety and काफी सारी चीजों को रोकने के लिए, effects को रोकने के लिए, diseases को manipulate, understand करने के लिए और उन चीजों का DNA निकालने के लिए जो कि non-human है. For example, plants, इनका भी DNA structure निकालने के लिए, animals का जीनोम निकालने के लिए, उनके साथ कंपेयर करने के लिए, उनके साथ कंपेयर करके एक कैरेक्टर्स नाइड टैक्सोनॉमिकल व्यू एक चीज को देना, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. इसीलिए इसीलिए डीएनए सीक्वेंसेस कैन lead to understanding of every production like in agriculture, healthcare, environmental remediations, many non-human model organisms like bacteria, yeast, cadmium, habitus, elegans of free living pathogens
और भी नीमा, ये बेसिकली एफएमटी के क्वेश्चंस भी फॉर्म्स हो सकते हैं इन टॉपिक्स पे, ठीक है। इन नीमाटोड या ड्रोसोफिला, दैट इज अ फ्रूट फ्लाई, ठीक है, प्लांट्स राइस एंड अराबिडियो horses etc have been sequenced according to the DNA structures. लेकिन हम लोग DNA को अभी हम लोग human clone नहीं बना पाए हैं, सिर्फ हम लोग natural जो कि non human थे इन्हीं को clone कर पाए हैं, और अभी तक हम लोग human cloning पे जो human genomic sequence पूरा बनाना की capability वो हम लोग नहीं कर पाए हैं. But still there is a hope that we can able to clone a human being. But that was still a process and that was still a technology that is going on, that the research is going on still yet. But it is not ethical. इस वजह से हम लोग ये technology नहीं use कर रहे हैं in a way. ठीक है. So अब हम लोग बात करते हैं बेटे methodologies पे. The methods involved two major approaches. One approach focused on identifying all the genes that expressed as RNA or referred as expressed sequences, tags, and the other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contain coding and non-coding sequences. ठीक है, that contain coding and non-coding sequences. And what was the another set that later assigning दोबारा लिख सकते हैं इसको, later assigning different regions in the sequence with functions. Termed as expressed या सीक्वेंस एनोटेशंस. ठीक है बच्चे, और अगर हम लोगों को फॉर सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए,
फ्रॉम अ सेल, ठीक है, देन देयर आर, देन डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर इज लॉन्ग पॉलीमर एंड इज आइसोलेटेड कन्वर्टेड इंटू रैंडम टेम्पलेट्स और स्ट्रैंड्स, रैंडम फ्रेगमेंट्स एंड हैज फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज. ठीक है, ड्यू टू बेटा टेक्निकल लिमिटेशंस, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस क्लोन इन अ सूटेबल host, cloned in a suitable host, cloned in a suitable host, the cloning resulted into very important into amplification amplification of each DNA fragments so that it subsequently sequenced with sequenced appropriately. ठीक है, so that means कि human genome project is a vast project. उसके बाद हम लोगों को cloning करने के लिए एक vast technology की requirement है जो अभी तक हम लोग find out नहीं कर पाए हैं. ऐसी वास्ट टेक्नोलॉजी हम लोग अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं. बिकॉज बेटे डीएनए को संभालने के लिए अगर हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं तो उसके छोटे 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 फ्रेगमेंट्स करो और हर फ्रेगमेंट्स एक दूसरे फ्रेगमेंट से स्मॉल होना चाहिए और इतने छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट को संभालना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना उस फ्रेगमेंट को लेके, एंजाइम्स. अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी में जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे हाउ दिस एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, हाउ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हाइब्रिड अकर. इसमें बेटे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम लोग क्लोनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर क्लोनिंग कर रहे हैं तो मतलब हम लोगों को एक एक कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए डीएनए की, उसके प्रॉपर स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए डीएनए की, उसको हैंडल करने का तरीका हम लोगों को सब पता होना चाहिए. उसमें जितने भी बेस पेयर्स हैं, उसमें जितने भी हम लोगों के पास जीन्स के कॉम्बिनेशन है, वो सारे एलिलिक पेयर को हम लोगों को जितने टाइप्स के हो सकते हैं वो सारे पता होना चाहिए, जितने एग्जिस्ट कर सकते हैं पॉसिबली. तो इतनी वास्ट वैरायटी को मैनेज करना, मेथड करना वेरी इंपॉर्टेंट था. और सबसे पहली अप्रोच थी इसको मेथड को करने के लिए कि वन ऑफ द अप्रोच फोकस आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेसेस आरएनए, जो आरएनए में जितने भी टाइप्स के जीन्स थी वो आरएनए में जो एक्सप्रेस थी उन जीन्स को भी आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर सीक्वेंसेस को फॉर्म करना, एक प्रॉपर सीक्वेंस को
कोड करना, ठीक है, इसको बोलते हैं रेफर्ड एज एक्सप्रेस जीन टैग्स। ये जीन टैग्स मतलब फॉर एग्जाम्पल डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो फॉर एग्जाम्पल किसी में एक्सप्रेस हुई थी किसी में एक्सप्रेस नहीं हुई थी, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी, कुछ डीएनए की इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो कभी हुई कभी नहीं हुई, ठीक है, उन इंफॉर्मेशंस को कोड करने के लिए उन एक्सप्रेसिव जीन्स को भी ऐड करना, सारे जीन्स की नॉलेज। फॉर एग्जांपल एक अलीलिक पेयर है, दो पेयर से बनता है ना, एक एक्सप्रेस होती है, डोमिनेंट ट्रेट शो करती है, मतलब एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव होती है, तो डोमिनेंट के अलावा जो रिसेसिव ट्रेट है उसका भी नॉलेज करना, उसको भी जानकारी करना। दिस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन जीन प्रोडक्ट इज द मेन मेथड, and the other took the blind approach of the simply sequence and the whole set of the genome that containing coding and the non-coding. अब coding कुछ ऐसे थे बेटे genome project में जिसमें आपने coding specifically दे रखी थी और किसी में नहीं दे रखी थी, वो specificity नहीं दे रखी थी। उस specificity के अलावा जो human project था वो काफी हद तक नॉन कोडिंग और कोडिंग के बीच में जो डिफरेंशिएबल कैरेक्टर था वो शो ही नहीं हो पा रहा था नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सो इसीलिए एक ब्लाइंड अप्रोच ना करके एक अप्रोचिएबल चैलेंज को एक्सेप्ट करना, एक अप्रोचिएबल चैलेंज को मैनेज करना, और उस मैनेज करने के लिए कोडिंग सीक्वेंस एंड कोडेड सीक्वेंस जो ऊपर से चले आ रहे हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो ऊपर से नहीं चले आ रहे हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन और डिस्कार्ड करना, दैट वॉज द मेन चैलेंज ड्यूरिंग दैट टाइम। और क्या कह रहा है बेटे वो कि फॉर सीक्वेंसेस टोटल डीएनए, जो टोटल डीएनए का सीक्वेंस हो रहा है ना, आपको उसको डीएनए को, अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, इतने लॉन्ग पॉलीमर को नहीं कर सकते आप एक साथ उसकी कोडिंग, उसमें हजार टाइप की कोडिंग होगी, हजार मिलियन टाइप के जीन्स होंगे, उसको पहले आप छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में काटेंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, उन टेम्पलेट की रिसर्च करेंगे। अब उस टेम्पलेट को संभालना, उस फ्रेगमेंट को संभालना वो वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले को बेटे जिनको नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को आपने टर्म असाइन कर दिया सीक्वेंसेज एटोनेशन की, ये कोडेड सीक्वेंस में आ रहा है, ये नॉन कोडेड सीक्वेंस है कि इनका कोई कोड नहीं बन रहा हुआ, ये वैसे ही कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो आपने बेटे उसको सीक्वेंस एनोटेशन के नाम से उनको टैग कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं एक चीज की जिसको मैं आपको बोल सकती हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन बी ए सी और वाई ए सी, हाउ यू गोना डिफाइन, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और इसमें लिखेंगे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। क्या हुआ था बेटे कि होस्ट रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग पर्पसेस वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड द वेक्टर्स कॉल्ड बीएसी बिकॉज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स था उसमें हाइब्रिड कॉम्बिनेशन और YAC, that is yeast artificial chromosomes. The fragments sequenced using automated DNA sequencers that worked on the principle of method that is developed by Frederick, very important, Frederick
सिंगर, दिस वॉज अ साइंटिस्ट, इट इज नॉट. क्या पूछा जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल था सेंगर का, इसको इंपॉर्टेंट है ये. सेंगर ने क्या किया था बेटे, अमाइनो, एक और मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज अमाइनो एसिड की कोडिंग को डेवलप किया था. ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, उन्हें सीक्वेंस किया था. अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, नेक्स्ट, अलाइनमेंट किया था इन सीक्वेंस को, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वर फॉर ह्यूमंस वॉज नॉट पॉसिबल. ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं थी, बाकी हम लोगों ने काफी हद तक बैक्टीरिया वगैरह की कर ली है. फॉर ह्यूमन वॉज नॉट पॉसिबल. ठीक है, देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स सब्सिक्वेंटली असाइंड टू ईच क्रोमोसोम. इसके नीचे लिख सकते हैं कि द क्रोमोसोम सीक्वेंस I was completed in May 2016. This is the row table part. So just mark it as a rote. इसको याद करना है, रट्टा लगाना है. अगर आ जाएगा कि question 5 marks में explain the human genome project, तो बेटे आपको उसका हर aspect, हर aspect को ब्रीफ में लिखना होगा, किसने क्या किया, किसके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, जापान के, यूके के, वेलकम कंपनी, हर का आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करना होगा. ये डेट्स याद रखनी होंगी कि किस ईयर में क्या किया, किस ईयर में क्या किया, बिकॉज इस पर 5 marks से क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं और 1 mark से क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं कि क्रोमोसोम सीक्वेंस किसी का अगर आपने आर्टिफिशियल, तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम सीक्वेंस कब पूरा हुआ, तो दैट वाज कंप्लीटेड इन May 2006. ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि फिर आप लोगों ने क्लोनिंग, फिर हम लोगों ने क्लोनिंग के लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था. हम लोगों को एक बार डीएनए सीक्वेंस मिल गया, तो उन डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए थे हम लोगों ने, और उसके बाद हम ईच क्रोमोजोम्स को उनकी हेल्प से अरेंज करने लग गए थे, उनकी हेल्प से डेवलप करने लग गए थे. ठीक है, सो डीएनए सीक्वेंसेस जिसमें 2 chromosomes होते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस्ड. अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस नहीं किया, क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस कर लेंगे, दैट मींस वी आर क्लोनिंग अ ह्यूमन बीइंग, एंड टिल नाउ इट इज नॉट बीइंग पॉसिबल कि हाउ यू कैन क्लोन अ ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली इन दैट मैनर. इसीलिए ह्यूमन को क्लोन करना एंड जस्ट बैक्टीरिया एंड यीस्ट को क्लोन करना इजी था,
बट अगर मैं कहूँ एक ह्यूमन को क्लोन कर लो उसकी सारी डीएनए फीचर करा के, देयर इज स्टिल गोइंग ऑन प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग थ्रू विद, बट ह्यूमन को नहीं हम लोग क्लोन कर पाए हैं बिकॉज इट इज नॉट द एथिकल, लेकिन परमिशंस भी नहीं थी गवर्नमेंट के पास। और दूसरी बात है, एक इनएथिकल में आप एक ह्यूमन को क्लोन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ नेचर, सो देयरफॉर द प्रोसेस आर ग्रोइंग इन अ एथिकल मैनर। एंड जब हम लोगों ने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्लोन करने की कोशिश की थी, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बैक्टीरिया को क्लोन किया था, तो रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। बट अगर मैं बोलूं हम लोगों ने थोड़े से हायर रेप्टाइल को क्लोन करने की कोशिश की, हम लोगों ने रैट को क्लोन करने की कोशिश की, द हम लोगों को उसके एक इनवर्स इफेक्ट्स भी दिखाई दिए विच इज नॉट इन द एथिकल मैनर। एक एथिकल मैनर में विच कैन बी इन अ कंफ्लिक्ट फॉर द सोसाइटी, एक डेंजरस इफेक्ट हम लोग फेस कर चुके थे, कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने ह्यूमन को अभी तक क्लोन नहीं किया। नाउ लेट्स स्टार्ट, we're going to start with the salient features of human genes project which can come in a questions of 8 marks, 8 number ka question ban sakta hai ki write the salient features of human genome product and application and the future challenges. बेटे इसमें तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो सैलिंग फीचर्स, एक गोल्स। अगर क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, राइट एक्सप्लेन द ब्रीफ इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो आपने सारी राम कहानी लिखनी है कि कब आया, कैसे आया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, किस किस को उसने अब तक क्लोन कर लिया, इसको क्लोन क्यों नहीं कर पाया। अगर आपको उसके गोल्स लिखने हैं तो आप 3-4 नंबर में उसके वो 6 गोल्स लिख लोगे। अगर आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है कि सैलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम्स को बताओ, तो आपने सिर्फ सैलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम्स को वो बताना है। अगर आपने एप्लीकेशंस और फ्यूचर चैलेंजेस आज तक ऐसा जितना पूछा नहीं गया, बट एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं सिर्फ एप्लीकेशंस, तो आप 3 या 4 एप्लीकेशंस बता दोगे। लेकिन अगर मेनली आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा जिसकी मोस्टली आशंका रहती है या प्रोबेबिलिटी रहती है, वो रहती है बेटे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन सॉरी And in the next session, we will start with the human DNA printing and the salient features of the human genome project. अब तक बच्चे हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है। ये टॉपिक मैं आपको पहले इसीलिए करा रही हूँ 2-3 सेशंस में, ताकि आपको उसकी थरो नॉलेज हो जाए एंड कोई भी आपका टॉपिक लेफ्ट ओवर ना रहे। बोर्ड्स में बच्चे ये टॉपिक, क्योंकि इतना ये चैप्टर इतना लेंदी है, इतना बड़ा है, कि आप लास्ट वाला पार्ट छोड़ देते हो और लास्ट वाला पार्ट में ही क्वेश्चन बन जाता है, और एक जो बीच वाला पार्ट है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैम आप तो सभी बता रहे हो सभी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें हर क्वेश्चन हर टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करो, ये एक्सपेरिमेंट समझाओ, आरएनए रेप्लिकेशन समझाओ, आरएनए के बारे में बताओ, लैक कोप्रिंस बताओ, दैट वी गोना स्टार्ट इन द नेक्स्ट 2-3 सेशंस, एंड उनके बारे में ब्रीफ बताओ, एंजाइम बताओ, एक प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, रेप्लिकेट कैसे करता है, ट्रांसक्रिप्ट कैसे करते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो एंड विद अ थॉरो नॉलेज। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी गोना स्टार्ट विद दिस, and before ending the today's session, I just want to recapitulate the main important points of the human genome project. बेटे मेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद था कि डीएनए की सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करना, डीएनए के सीक्वेंसेस को कोड करना। अब उस डीएनए के सीक्वेंसेस को कोड करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, उस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा, मतलब इट वॉज द लार्ज एंड द मेगा लेवल पे जो प्रोजेक्ट होता है ना, वेन देर इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देर इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, which is beneficial kin ke liye tha, ek to find out karne ke liye ki what is the actual sequences of DNA, 25,000 se 25,000 ke genes find out karna, fir requirement, the money requirement for the project is very vast, bahut zyada money requirement thi project ki, isiliye ye jo project tha ye vast level par gaya। vast level par jaane ke baad iske complications ko face karte hue hum logo ne बैक्टीरियल प्रो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को होस्ट और मतलब वेक्टर को बनाया, उसके अब ह्यूमन को, ह्यूमन में से डीएनए निकालने के लिए हम लोगों को कई वेक्टर्स चाहिए होते हैं, वो वेक्टर्स प्ले किए ये रोल बैक्टीरिया और यीस्ट ने, जो कि लेबोरेटरी में स्पेसिफिकली बनाए गए। बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स पैटर्न किया गया, यीस्ट का करा गया,
उनके अंदर फिर उनको ह्यूमंस के अंदर डाल के उसका डीएनए निकाला गया, फिर उसको प्योरीफाई किया गया, फिर उसको डिस्टिल करके फ्रेगमेंट्स में इनक्यूबुलेट किया गया, फिर उसके बाद छोटा सा जो उसका फ्रेगमेंट था उस पर रिसर्च स्टार्ट हुई, उसके जीनोम्स हर उस एक फ्रेंड के फ्रेगमेंट के जीनोम स्टार्ट हुए। सो दिस इज द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो खत्म हो गया था 2003 में। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन वी गोना स्टार्ट विद द सैलिएंट फीचर्स एंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड वी गोना स्टार्ट आफ्टर दैट द एंजाइम्स एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द आरएनए। Okay, so thank you. Keep revising. All the best.